हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वाह बड़े मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स, इंडियन मीम्स फ्रॉम दी चैनल मीमापुर। तो मीमापुर के चैनल पे आज हम आ गए हैं बढ़िया बढ़िया मीम्स देखने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ऑफ कोर्स। सो लेट अस सी हाउ दिस मीम्स फ्रॉम द मीमापुर आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਛੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿ ਨੱਡੀ ਹੈ। तो कैसे हो मीमापुर वासियों, मीमापुर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सभी को बताए, मेरा हर वीडियो आप सभी को बस हंसाने के लिए होता है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो का जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है कमेंट में बताना मत भूलना। तो गाइस, हेडफोन लगा लो एंड बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। इतनी सी बात तुम्हारे समझ क्यों नहीं आती? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, जिंदगी हो तुम मेरी। ज्यादा ना डायलॉग बाजी मत कर, जिंदगी नहीं मौत हूं मैं तेरी। ठीक है फिर, मुझे मेरी मौत का नंगा नाच दे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता है आप लोगों को? शादी सलमान भाई की होनी चाहिए कि नहीं? बकवास है क्या? शादी को जबरदस्ती है क्या? मैं बता रहा हूँ, एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, शादी की उसने, ठीक है, शुरुआत में ऑफिस से आता था, बीवी चप्पल लेके जाती थी ऐसे, और एक छोटा सा टॉमी टाइप का कुत्ता था, भोकता था, प्यार से जम मारता था, ये सब करता था। 10 साल हो गए शादी को, आज कुत्ता चप्पल लेके आता है, बीवी भोकती वहाँ पे। फर्क क्या पड़ता है, सर्विस तो यही मिल रही है ना। Hey, I'll come look at this. भाई आज फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम था, पेपर देखते ही पूरे क्लास का मूड खराब हो गया। टीचर ने चीटिंग करने की छूट दे दी। छूट की स्पेलिंग ये नहीं होती है रे बाबा, तूने लिखा है CHUT, ये नहीं होती है। अगर टीचर ने कहीं ये दे दी होती तो लड़के पेपर फाड़ देते यार। 24 बच्चे मिलके 70 में से 40 भी नहीं ला पाए। हाँ तो कहां से लाएंगे, छूट ही ऐसी दी है। बहुत टफ पेपर, बहुत ही टफ पेपर था भैया। नहीं वो तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि टफ होगा। देखो अचानक से टीचर ही अगर तुमको CHUT दे दे तो टफ तो होगा भाई। यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। प्लस 100 घंटे चाहिए। एक चीज नहीं समझ में आ रही, आप हमारे से घंटे लेने क्यों आए हैं? हमारे घंटों में ऐसा क्या मिलेगा? वही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घंटों में ऐसा क्या। ओके ठीक है फाइन। अरे यार ये इकलौते ऐसे बंदे हैं, वाहिद इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हारमोनियम बजा के लड़की इंप्रेस कर ली। मतलब और क्या कर? और मैं रोज बजाता हूँ। हारमोनियम यार। आपका नाम क्या है? मैडम टीटू है मेरा नाम। Okay. अच्छा तो आप कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? मैडम पढ़ी लिखी होनी चाहिए और संस्कारी होनी चाहिए, माँ बाप का ख्याल रखे। अच्छा। और क्या चाहिए? शाबाश। आपको कैसा लड़का पसंद है? मेरे को तो भाई ऐसा पसंद है जो मेरे आगे पीछे डोले, जो मेरी सेवा करे, मतलब चाय पानी दे, सब कुछ, मेरे को कुछ ना करना पड़े। हाँ तो मेरे घर पे आ जाना, मेरे नौकर के अंदर ये सारे गुण है। अरे भाई कोई फोटो वोटो दिखाओ, पहचान हुआ किसे उसको? एक्चुअली मेरे पास उसकी फोटोग्राफ नहीं है। तो तुम्हारा तोता दिखाने से वो तुमको पहचान जाएगी? या तो भाई आपको कैसी लड़की पसंद है? अरे बोल नहीं पाता। अच्छा भाई तो आप ही बता दो आपको कैसी लड़की पसंद है? चांद जैसी। चांद जैसी मतलब? जो रात में और सुबह चले जाए। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं सीएम। उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं। अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही? सारी उम्र मैं। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल में तो ये सब लड़कियों से दोस्ती करनी नहीं चाहिए, मतलब दोस्ती बहन के भाव से कर लो, तुम मेरी बहन हो। नो नो, नो yes. आप आश्चर्य मानेंगे, 19 साल के जब हम थे और 20 साल के जब हम थे और 21 साल के जब हम थे, तब तक हम जानते ही नहीं थे कि स्त्री पुरुष क्या है, मतलब क्या होता है स्त्री पुरुष में।
19, 20, 21 साल तक हमें ये नहीं पता था स्त्री पुरुष में ऐसा क्या होता है। 10 स्टैंडर्ड में सिखाया नहीं, कुछ भी पता नहीं था। चल वही तो। मम्मी जी, क्या खा के पैदा किया है आपने श्रीहन को? मैम, मुझे आपसे कुछ कंप्लेन है। कंप्लेन? 2 साल से देख रहे हैं आप हमेशा बच्चों के माँ से पूछ रहे हैं क्या खा के पैदा किए हैं। इसमें पापाओं का भी थोड़ा मेहनत रहता है ना। या हाँ, थोड़ा मेहनत होता है ना सर, इसी ऐसा बहुत भी होता है। ऐसे लग रहा है कि आपको किसी ने आज तक पकड़ा नहीं है, आपको किसी ने नहीं छुआ। ठीक है ना, सीधे झूठ बोल दिया हमारे के केहू छुअल ही नहीं थे। तो जितना तारा पोटी में सब बढ़ल चढ़ल बावे, ये अपने से बढ़ गई बा। शरीर बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, बाल बढ़ गया, ब्लाउज बढ़ गया। आजकल के दौर में बीवी ऐसी होनी चाहिए जो झगड़ा करने के बाद खुद ही कहे, जानू अब मान ली जाओ बच्चे सो गए ना। आजकल शोहर ऐसे होना चाहिए कि बस मुंह बंद करके रहे, बस बीवी का लाइक हाउ एड शीरन केम टू मुंबई एंड मेट शाहरुख खान, एलन वॉकर केम टू बेंगलुरु टू मीट मी बिकॉज आई एम अ सुपरस्टार। एलन वेलकम टू द शो। आप घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो बस यही चाहूंगा कि आप और मैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लें बस। सॉरी लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानना चाहती। मतलब आप बिना जाने ही मेरे साथ सब कुछ। गलत फैमिली भी मैं के हिसाब से IPL का सबसे बेस्ट ओपनर कौन है? रोहित शर्मा। नाइस। और आप बताइए? जेसीबी जसवाल। भैया 3 प्लेट पानी पूरी देना। जी भैया, इनके लिए थोड़ा मीठा लगाओ। जी मीठा पानी पूरी कौन मीठा खाए? वही तो, क्योंकि तुम तीखी हो, मीठा खाना चाहिए ना। अच्छा तो इनके लिए खट्टा बना दो। खट्टा खाए मीठे जो, क्योंकि तुम मीठे बहुत हो। लाइसेंस? लाइसेंस लाइसेंस नहीं है, तो थोड़ा चाय पानी। चाय चाय पानी साहब। हरियाली हरियाली अंकल, चल पास्ता ना। ऐसे चेक करते हैं, घुटनों में हुई थी इंजरी? नहीं नहीं, मैं खाली देख रही हूँ कि इंजरीज कहाँ कहाँ हैं। अरे मैं बोल रही हूँ घुटनों में हुई थी, तो आ क्या देख रहे हो तुम? नीचे नीचे और नीचे। अरे घुटनों में। अच्छा ठीक है। वाव ब्यूटीफुल तो है यार, क्यूट है। अरे वो तो पढ़ा रहे नाम को। यार क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, मतलब भाई क्या बताए, अब हम टीचर ही देख रहे हैं कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाती है, फेवरेट टीचर। आप लोग बोल रहे हो कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। अभी यही देखना, ठीक है यार, अभी क्या बोलूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।